जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल स्टडी क्लास 9 इंग्लिश। आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, एंड द टाइटल ऑफ द लेसन इज इफ आई वर यू, रिटन बाय डगलस जेम्स। ये प्ले दो कैरेक्टर्स के बारे में है, जेरार्ड और एक इंट्रूडर। इस प्ले में आप जानेंगे किस तरह से अपनी समझदारी और सूझबूझ से मेन कैरेक्टर ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक अपराधी को भी पकड़ा। बिफोर वी स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग लेसन, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द ऑथर ऑफ द प्ले। द ऑथर ऑफ द प्ले इज डगलस जेम्स, हु वॉज बॉर्न इन ब्रे इन 1929। ही वॉज एन ब्रिटिश नेशनल एंड हैज रिटन फ्रीक्वेंटली फॉर टेलीविजन, most notably as creator of the Riordan's, RTE's long running serial in the 1970s। ये बहुत ही जाने माने राइटर थे जिन्होंने 70 के दशक में सबसे चलने वाला सीरियल लिखा था। ये जो आज का लेसन है ये भी एक प्ले है और इस प्ले की थीम हम समझते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थीम ऑफ द स्टोरी। According to the writer, one needs to act in an intelligent way at the time of crisis. One needs to be bold. The presence of mind is always essential in the time of crisis. In this play, Gerard is the main character. He uses his presence of mind and outplays the intruder. During the talks, he learns the intention of the intruder. Gerard smartly concocts a story to outwit the intruder. लेखक के अनुसार संकट के समय व्यक्ति को अपनी बुद्धि का उचित इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि से अपनी परेशानियों को न सिर्फ दूर कर सकते हैं बल्कि कई टाइम पर आकर आप अपनी जान भी बचा सकते हैं। इस प्ले में कुछ ऐसा ही हुआ। इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जेरार्ड, जिसने अपनी समझदारी से अपने घर में आए हुए एक इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है बच्चों जो ज़बरदस्ती आपके घर में आ जाए, यानी कि घुसपैठ। तो इस घुसपैठिए को, जो कि एक क्रिमिनल था जो ज़बरदस्ती जेरार्ड के घर में आ गया था, उसे न सिर्फ अपनी समझदारी से उसने पकड़वाया भी बल्कि अपनी जान भी बचाई। उसने बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करा और बड़ी ही चलाकी से उसे बेवकूफ़ बनाया और उसे अपनी बातों में फंसाकर पकड़ लिया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द समरी ऑफ द लेसन। इस प्ले की समरी को हम डिटेल में समझते हैं। ये कहानी एक छोटे से कॉटेज से शुरू होती है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जेरार्ड। जेरार्ड एक प्ले राइटर है, नाटककार, और वो एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता है। अपने कॉटेज में वो अकेला रहता है और एक दिन जब वो अपने कॉटेज से कुछ पैक करके कहीं जा रहा था, तभी उस समय उसके कॉटेज में एक इंट्रूडर एंटर करता है। इंट्रूडर यानी घुसपैठ। उस इंट्रूडर के हाथ में पिस्तौल है और उसने आते ही जेरार्ड को गन दिखाई और ज़बरदस्ती उसके घर में आ गया और गेट बंद कर दिया। वो घुसपैठ एक हत्यारा था, पुलिसकर्मी की हत्या भी कर चुका था और उसके पीछे पुलिस थी। वो अपनी जान बचाते हुए जेरार्ड के घर में ज़बरदस्ती घुस आया था, उसे डरा के धमका कर वहीं बैठ गया। उस इंट्रूडर की मंशा ये थी कि वो जेरार्ड को मार दे और खुद जेरार्ड बनकर उसके हिस्से की ज़िंदगी जीने लगे। इस तरह से वो अपने किए हुए जुर्म पर पर्दा भी डाल देगा और उन जुर्मों से मिलने वाली सज़ा से भी बच जाएगा। ऐसा सोचकर इंट्रूडर जेरार्ड के घर में आया और ज़बरदस्ती वहाँ रुक गया। वो जानता था पुलिस उसके पीछे है और किसी तरह वो जेरार्ड की हत्या करना चाहता था। जेरार्ड ने उसके इरादों को भांप लिया और वो ये चाहता था किसी तरह उससे अपनी जान बचा ले, क्योंकि इस वक्त वो पुलिस को तो चकमा देकर
उसके घर में जबरदस्ती आ गया था और अब उसका निशाना जेरार्ड था। तो आइए जानते हैं किस तरह से जेरार्ड ने अपनी जान बचाकर उसे पकड़वाया। नाउ मूव ऑन टू द सीन इनसाइड द कॉटेज। आइए कुटिया के अंदर का दृश्य क्या चल रहा है इस पे नजर डालते हैं। When intruder broke into the cottage of Gerard, he was preparing to go out. He was going for rehearsal for his new drama. He was preparing his bed on which he kept prompts for the rehearsal. The intruder had revolver in his hand. The intruder told Gerard that he was a jewel robber. He discloses the intention was to kill Gerard and impersonate him. He wanted to adopt Gerard identity to avoid the police. जिस वक्त जेरार्ड अपने काम पे जाने के लिए तैयार था, बाहर निकल रहा था, उसी समय ये घुसपैठ उसके कॉटेज के अंदर आ गया। उसे रिवॉल्वर दिखाते हुए उसने बताया कि वो एक लुटेरा है और वो अब जेरार्ड को मारना चाहता है। पुलिस से बचने में वो कामयाब हो गया है, लेकिन अब वो अपनी पहचान छुपाना चाहता है। जेरार्ड को मारने के बाद वो अपनी सज़ा से बचने के लिए खुद जेरार्ड बनकर उसकी ज़िंदगी जीने लगेगा और वो पुलिस से बचने के लिए जेरार्ड की पहचान को अपनाना चाहता है। जेरार्ड ने उसे देखा, उस पेठी को, और उसने तुरंत उसके इरादे भाप लिए। नाउ मूव ऑन टू द जेरार्ड्स आउटविट द इंट्रूडर। अब जानते हैं किस तरह से जेरार्ड ने घुसपैठिए को मात दी। Gerard concocted a story to outwit the intruder. He told the intruder that he himself was a murderer and the police is against him. He also told him that killing him would taking his identity would not help him. He would be accused of murder. He said that police would hang him not with his real identity but as Gerard. जेरार्ड ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड और चतुर बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए फौरन घुसपैठिए को देखते ही एक कहानी गढ़ी। उसने कहा कि तुम मेरी आइडेंटिटी लेना चाहते हो, मैं तो खुद तुमसे भी बड़ा एक क्रिमिनल हूँ और मेरे खिलाफ पुलिस है। उसने ये भी बताया कि उसे मारकर उसकी पहचान अपनाने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपनी सज़ा से तो बच जाएगा लेकिन जेरार्ड की सज़ा में फंस जाएगा। जेरार्ड बनकर उसे फांसी दे दी जाएगी। भले ही स्वयं किए हुए अपराधों से तो वो बच गया, लेकिन जेरार्ड के किए हुए अपराधों से वो नहीं बच पाएगा। तो उसे जेरार्ड की आइडेंटिटी मिलने से और लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसने बड़ी ही चालाकी से उस इंट्रूडर को, उस हत्यारे को ये बात समझाई और उसे कन्विंस्ड करा कि चलो हम लोग किसी सेफ जगह पर चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ द इंट्रूडर। जेरार्ड की इस बात पर घुसपैठ की प्रतिक्रिया क्या रही, आइए इस पे नज़र डालते हैं। जैसे ही जेरार्ड ने उसे ये कहानी बताई कि वो उससे भी बड़ा अपराधी है और उससे भी ज़्यादा सज़ा उसको मिलने वाली है, आफ्टर हियरिंग ऑल दिस द इंट्रूडर बिगैन टू थिंक and this was the opportunity for Gerard to take control of the situation. जैसे ही उसने अपनी कहानी सुनाई तो जो intruder था यानी घुसपैठ जो था वो सोचने लगा और थोड़ी चिंता में पड़ गया। Gerard के लिए ये मौका अच्छा था situation पे control करने के लिए, क्योंकि अब उसने उस intruder को सोचने पे मजबूर कर दिया था। He asked him to hurry and flew away with him in his car to any safe place. जेरार्ड ने उससे ये कहा कि चलो मेरी कार में चलो और कहीं सेफ प्लेस पे जाकर छुप जाते। इंट्रूडर जो था वो घबरा कर उसकी बातों में आ गया और तभी जेरार्ड ने एक दरवाज़ा खोला, विच वॉज एक्चुअली अ कबर्ड। उसने एक दरवाज़ा ऐसे खोला जैसे कि वो कोई गेट हो, जबकि हकीकत में वो एक कबर्ड था। द इंट्रूडर लुक्ड इनटू इट टू सी व्हाट इट कंटेन्ड एंड गॉट ट्रैप्ड। इंट्रूडर जो था वो वैसे ही घबराया हुआ था और अब तक जेरार्ड की बातों में आ चुका था। उसने बिना किसी परेशानी के उस अलमारी में झांका जानने के लिए कि उसके अंदर है क्या, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जेरार्ड ने उसे अंदर पुश किया और बाहर से जो थी अलमारी लॉक कर दी। नाउ मूव ऑन टू द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। क्लाइमैक्स, जैसा कि आप समझ चुके हैं, जेरार्ड ने उस
उस पल का, उस क्षण का फ़ायदा उठाया जिस समय इंट्रूडर उसकी बातों में आ गया था। इंट्रूडर ने जैसे ही अलमारी के अंदर झांका उसमें देखने के लिए कि क्या है, उसी समय जेरार्ड ने उसे वहां अंदर पुश किया। इसी बीच द रिवॉल्वर फेल डाउन फ्रॉम हिज हैंड व्हेन ही स्टेप्ड इनटू द कबर्ड। जो रिवॉल्वर थी वो घुसपैठ के हाथ से नीचे गिर गई जैसे ही वो अंदर गया। जल्दी से जेरार्ड ने डोर क्लोज कर दिया एंड पिक्ड अप द रिवॉल्वर, और रिवॉल्वर जो थी अपने हाथ में ले ली। अंत में सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए ही कॉल्ड द पुलिस टू अरेस्ट द इंट्रूडर। अंत में जेरार्ड ने मौके का फायदा उठाया, रिवॉल्वर अपने हाथ में ली और उस इंट्रूडर को बंद कर दिया उसी कबर्ड में। और अंत में जेरार्ड ने पुलिस को कॉल किया और उस इंट्रूडर को अरेस्ट करवा दिया, और अपनी सूझबूझ से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक खतरनाक मुजरिम को भी गिरफ्तार करवाया। तो बच्चों, देखा इस प्ले में कितना अच्छा मॉरल मिलता है हमें कि बेशक हमारे ऊपर परेशानी आ जाए लेकिन हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्मार्टनेस नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सूझबूझ और समझदारी से हम किसी भी परेशानी से ओवरकम कर सकते हैं। समस्या में आकर इंसान को अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। तो बच्चों, आई होप आज का ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने देखा किस तरह जेरार्ड ने अपने सामने रिवॉल्वर होते हुए भी अपना आत्मविश्वास और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोया, और अपनी सूझबूझ से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक खतरनाक अपराधी को भी पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाया। तो यहीं हमारा आज का ये लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगला लेसन समझेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद एवरीवन।